हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है दिस इज़ न्यूमेरिकल पार्ट टू फॉर क्लास 11। प्रीवियस वीडियो भी मैंने बनाया था बेटे न्यूमेरिकल्स का, उसमें हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से डी ठीक है इसमें 1 से ही डिस्कस कर रही हूँ। मैं बस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बना रही हूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। सो दिस इज़ न्यूमेरिकल पार्ट टू फॉर क्लास 11 एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम ठीक है। तो बेटे हमें न्यूमेरिकल क्रेम नहीं करने होते हैं, वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीखना होगा आपको और ध्यान रखना बेटे कॉन्सेप्ट आप जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में उतना ज़्यादा बेटर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा जो फिजिक्स है ठीक है। और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बेटे वो बहुत ईजी होता है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। तो अब आप देखिए जरा क्या कहा बेटे इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक सिंबल है ये लैम्डा, इसके अंदर ये गिवन है लैम्डा के क्या, इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और ये वेक्टर आपको यानी कि दिस वेक्टर विच इज़ गिवन टू यू ठीक है इज नो द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। अब जरा थोड़ा सा थ्योरी पे जाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटे इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया है मैंने व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा से रिपीट कराऊंगी बेटे। एक स्पेशल टाइप का वेक्टर जिसके ऊपर कैप लगा होता है, उसकी खास पहचान होती है बेटे, उसकी कैप ताज पहना देते हैं उसको। कोई भी यूनिट वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ठीक है। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। दूसरी बेटे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है यूनिट वेक्टर की ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी दैट मीन्स 1। कोई भी यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स जिसके ऊपर भी कैप लगा, अगर मैं कह रही हूँ ए कैप है सो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई कैप है, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे जे कैप है जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है बेटे, के कैप है मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये पूरा वेक्टर, ये नहीं बेटे आई जे के, वो तो दिख ही रहा है यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स, आई जे के आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वैक्टर्स बेटे। अभी आपको जो वैक्टर गिवन है ये कम्प्लीट इज़ अ यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटे, 1। सो आप देखेंगे बेटे सो अ वैक्टर इज़ गिवन टू यू ठीक है, मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, कुछ भी ए वेक्टर मान लिया बेटे। एक वेक्टर है मेरे पास, दिस इज़ द वेक्टर 0.4 आई कैप ठीक है, इसको इसी तरह से लिख लिया बेटे 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप इज व्हाट यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या खास पहचान होती है बेटे यूनिट वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर दैट मीन्स 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1। बेटे किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जरा रिकॉल करो बेटे, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको, कोई भी वैक्टर है, जनरल बात कर रही हूँ मैं ठीक है। अब वैक्टर इज देयर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इफ़ आई आस्क यू टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैक्टर, ये वैक्टर है जनरल कोई भी वैक्टर, मैंने कहा बेटे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए। सो यू नो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज हाउ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वैक्टर। सो सिमिलरली कोई भी वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वैक्टर बोलते हैं। ये वैक्टर हमें यूनिट वैक्टर गिवन है, तो मैंने इसको बता दिया कि इसका मॉड जो है बेटे इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। और मैग्नीट्यूड किसी भी वैक्टर का कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर एंड जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। देखना बेटे आई कैप के साथ में जो प्रेजेंट है दिस इज एक्स दैट मीन्स 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 1 राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड को स्क्वायर कर दो बेटे, यहाँ से रूट हट जाएगा 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे बेटे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बिकॉज यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फर्दर रेस्ट बेटे आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है और उसके बाद में कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखिए बेटे सो लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, दिस इज़ 1, 0.4 स्क्वायर एंड 0.8 स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे बेटे तो दूसरी साइड में नेगेटिव आ जाएंगे दैट इज़
1 माइनस 0.4 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर एंड रेस्ट इज़ योर कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन और ज़्यादा फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करा देती हूँ, उसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, अब यहाँ देखिए बेटे 0.4 स्क्वायर क्या आएगा बेटे 0.16, 0.8 स्क्वायर माइनस 0.64। ठीक है, इसको अब आप कैलकुलेशन करेंगे एंड दैट इज़ पहले तो आप लैम्डा स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद में लैम्डा फाइंड करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि बेटे इसको अगर आप सॉल्व करोगे कि लैम्डा का स्क्वायर कितना आएगा बेटे, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में 0.2, सो लैम्डा कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। आप पूरा कैलकुलेशन करना बेटे, आप मेरी तरह डायरेक्ट नहीं लिखना, कंप्लीट सॉल्व करना और चेक करना जो भी आंसर आता है, ठीक है, देन आप लैम्डा की वैल्यू बताएंगे। वीडियो पॉज करके बेटे इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करिए, कॉपी करिए इसे एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस देखने में आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे। अभी आप बोर्ड पर देखेंगे बेटे क्या कहा है इसने, अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ध्यान रखना बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है क्या है बेटे 10 मीटर पर सेकेंड, हैज़ इट्स y कॉम्पोनेंट दैट मीन्स वर्टिकल y एक्सिस का जो कॉम्पोनेंट है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटे 5√2, दिस इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स x कॉम्पोनेंट, उसका x कॉम्पोनेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स भी बोल देते हैं कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, x कॉम्पोनेंट एंड y कॉम्पोनेंट। ओके बेटे, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जब आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है ना, कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, तो जो आपको गिवन होता है बेटे उसको देखकर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। वो x और y की कुछ बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक x कॉम्पोनेंट है एक y कॉम्पोनेंट है, तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं x और y को लेकर। ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है हमसे और क्या गिवन है। यहाँ देखिए बेटे, ये x एक्सिस है एंड दिस इज़ y एक्सिस, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये x एक्सिस है y, वेलोसिटी एक वेक्टर होता है बेटे, तो मैंने वेलोसिटी को भी ऐसे दिखा दिया यहाँ पर, ये वेलोसिटी है। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या गिवन है बेटे हमें 10। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना है हमारे पास 10। जो लेंथ ऑफ द एरो है बेटे, ये लेंथ ऑफ द एरो, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है इसका, कितना है बेटे 10। ठीक है, मीटर पर सेकेंड मैंने यूनिट नहीं लगाई है। ठीक है, और जो एरो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, अब हम नहीं जानते बेटे डायरेक्शन क्या है, मैंने ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट करके डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब चाहते हैं तो यूनिट भी लिख सकते हैं बेटे, इसमें मैंने सिर्फ 10 लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो लेंथ ऑफ द एरो क्या दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, और इसका एरो हेड क्या दिखा रहा है डायरेक्शन। अब वो क्या कह रहा है बेटे उसके बाद में, वाई कॉम्पोनेंट इज दिस, इसका मतलब बेटे इसके अंदर हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। वेक्टर को रिजॉल्व किस तरह से करेंगे बेटे, यहाँ पर हमने इसका एक कॉम्पोनेंट इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे। ये वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा, दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया, एंड दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या हो गया बेटे वर्टिकल। तो हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दिया, तो हमने रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में। सपोज करो बेटे ये एंगल आपने मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ में क्या है थीटा, सारी कहानी थीटा पे आती है बेटे, एंगल आप कहाँ पे लेट कर रहे हो। सो सपोज करो बेटे मैंने वेलोसिटी जो वेक्टर है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ में यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया। ओके बेटे, अब ये आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कराया था ये कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसके साथ में एंगल बन रहा है वहाँ कॉस आएगा और वर्टिकल में क्या आएगा साइन। तो ये कॉम्पोनेंट यानी कि वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सी केयरफुली, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बेटे वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा कॉस, ये आएगा बेटे वी कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट पता चल गया आपको, ये वी कॉस थीटा। ऐसे बेटे सिमिलरली वर्टिकल कॉम्पोनेंट, सो बेटे मैं इसको थोड़ा सा साइड चेंज कर देती हूँ, सो वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट वी वाई, वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आएगा बेटे आपके पास वी साइन थीटा, राइट। और ये मैंने आपको काफ़ी बार प्रोजेक्टाइल में भी बताया था, सपोज करो रिकॉल करो बेटे जरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट, सपोज करो इंक्लाइन करके बेटे उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से थ्रो कर रहे हैं, यू वेलोसिटी है उसकी इनिशियल, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल अर्थ सरफेस, तो उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक होता है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन, एक होता है वर्टिकल, जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं तो क्या आता है ये वाला कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा और ये क्या आता है यू साइन थीटा। और ऐसा क्यों होता है बेटे, तो वो ट्राइंगल लेने पड़ते हैं, फिर आपको कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है,
वो एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, अभी न्यूमेरिकल करा रही हूँ बेटे, तो डायरेक्ट ही समझाऊंगी आपको कि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ गया जिसके साथ एंगल बन रहा है कॉस, और वर्टिकल जो है बेटे उसके साथ साइन। ओके अब स्टार्ट करते हैं। वो ये कह रहा है बेटे वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज 5√2। सी केयरफुली, वर्टिकल कॉम्पोनेंट यानी कि वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट हमें गिवन है 5√2। तो आप देखो बेटे, सो आपको क्या गिवन है, आपको वी गिवन है वेलोसिटी, व्हाट इज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है आपको वेलोसिटी। देन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी गिवन है बेटे, वाई कॉम्पोनेंट कितना है बेटे 5√2। तो बेटे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है, पहले तो आप देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, वर्टिकल आपका क्या आया, वी साइन थीटा, तो मैंने लिखा बेटे वी साइन थीटा, और ये वी वाई वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट आपको गिवन है, क्या है बेटे 5√2। यहाँ प्लेस करेंगे बेटे वर्टिकल कॉम्पोनेंट, सो दैट इज 5√2 किसके इक्वल है बेटे वी साइन थीटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ बेटे, वर्टिकल गिवन है, हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है। जैसे वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट आपको कितना दे रखा है बेटे 5√2, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्टिकल गिवन है 5√2, मैंने यहाँ रखा बेटे किसके इक्वल है वी साइन थीटा, जिसमें से वी की वैल्यू देखिए बेटे मैग्नीट्यूड कितना है 10, सो ये क्या आ जाएगा 5√2 इज इक्वल्स टू 10, दिस इज साइन थीटा, कैलकुलेट कर लेंगे बेटे। ठीक है, 5 कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 इधर आएगा अपॉन में, ये क्या आ जाएगा बेटे √2/2 किसके इक्वल है बेटे साइन थीटा। सी केयरफुली, ये वैल्यू आ गई, इसको फर्दर देखिए बेटे, इसको रिजॉल्व करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, सो दिस इज 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 1/√2 साइन में बेटे 45 एंगल की वैल्यू आती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट साइन 45 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो दैट मीन्स थीटा मेरे पास में आ गया 45। और बेटे अगर ये एंगल मेरे पास में 45 आ गया, मेरा सारा हेडेक खत्म हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए बेटे आपके पास एंगल आ गया 45, थीटा इक्वल्स टू 45, अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट मुझे कैलकुलेट करना है, वी एक्स किसके इक्वल है वी कॉस थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या आएगा बेटे, वी की वैल्यू देखिए क्या मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, दिस इज 10। ठीक है, कॉस थीटा, और थीटा फाइंड कर चुके हैं 45, सो दिस इज कॉस 45। ठीक है, सो एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा बेटे 10 × 1/√2, 1/√2, इसको बेटे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 10/√2, बेटे √2 से मल्टीप्लाई भी किया आपने, √2 से डिवाइड भी किया। ठीक है, तो √2 × √2/2 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटे, सो वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी 10√2/√2/2, 5 टाइम्स। ठीक है, सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया बेटे 5√2, सो दैट मीन्स ये आपके पास में एक्स कॉम्पोनेंट आ गया मीटर पर सेकेंड यूनिट। बताना बेटे वाई कॉम्पोनेंट भी क्या था 5√2। ठीक है, और एक्स कॉम्पोनेंट भी देखिए क्या आया आपके पास में, इसको और थोड़ा सा अबाव लिख देती हूँ बेटे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे 5 टाइम्स, तो ये एक्स कॉम्पोनेंट आपके पास में आ गया वेलोसिटी एक्स कॉम्पोनेंट 5√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो आपके पास में वर्टिकल कॉम्पोनेंट की वैल्यू गिवन थी, सेम हमने जो है हॉरिजॉन्टल एक्स कॉम्पोनेंट निकाला है, तो उसकी वैल्यू क्या आई है बेटे सेम आई है। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जब भी आपको बेटे इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों कि ये वेक्टर है हॉरिजॉन्टल गिवन है, वर्टिकल फाइंड करना है, वर्टिकल गिवन है हॉरिजॉन्टल, तो आप थोड़ा सा थोड़ा काम करेंगे डायग्राम बनाने का, एंड देन वही कहानी जिसके साथ आप एंगल कंसिडर करेंगे वहाँ कॉस आ जाएगा, देन उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा साइन, फिर उसके बाद में जो गिवन हो उसकी सिचुएशन से जो अननोन हो वो फाइंड हो जाएगा। वीडियो पॉज करके बेटे कॉपी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी नोट करेंगे, देन उसके बाद में सॉल्यूशन। ठीक है, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट, पॉज करो बेटे वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, आप बोर्ड पे देख सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे अगेन, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया था बेटे कि रिजॉल्व करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वर्टिकल किसी भी वैक्टर को, अगर वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होता है, देन जितना एंगल बन रहा होता है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर कुछ एंगल बन रहा है, ये कॉम्पोनेंट क्या आता है कॉस थीटा, और उसके वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आता है साइन थीटा। एंड अ वेरी सिमिलर वे यहाँ क्वेश्चन देखिए बेटे क्या है, अ फोर्स, पहली बात बेटे फोर्स वैक्टर होता है। ठीक है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, इंक्लाइंड एट 30° टू द हॉरिजॉन्टल। तो देखो बेटे, आप सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और अगर आप डायग्राम को क्लियरली बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सपोज करो ये फोर्स है बेटे, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइंड है विद एन एंगल, गिवन है बेटे 30 डिग्री।
ठीक है. सो दिस एंगल इज मेजर्ड, सॉरी बेटे गिवन है आपको, ठीक है. कितना है बेटे 30 डिग्री आपके पास. क्या कहा है बेटे इसने, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये एंगल बन रहा है. देन ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हो गया. इफ इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट है वो गिवन है आपको. तो बेटे पहली बात तो इसे तोड़ देंगे वैक्टर को. तो बेटे एक आएगा फोर्स का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है. एक आएगा बेटे फोर्स का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, सो दिस इज एफ वाई, ठीक है. सो आप एक एक्सिस वाई ले लिया आपने, एक एक्सिस एक्स. तो बेटे जो फोर्स का कॉम्पोनेंट इस वाली एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है, सो दिस इज एफ एक्स, ठीक है. और ये फोर्स का कॉम्पोनेंट जो वाई एक्सिस के लिए काम कर रहा है, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है फोर्स का, ठीक है, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई. ये एफ वाई है वर्टिकल कॉम्पोनेंट. एक एफ वाई हो गया, एक एफ एक्स हो गया. तो फोर्स को आपने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट हो गया बेटे, एक हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल वाला कॉम्पोनेंट कैसे आएगा, मैंने आपको बताया बेटे, जिसके साथ एंगल बन रहा है यहाँ पे कॉस आ जाएगा. तो फोर्स को जब रिजॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, एफ कॉस थीटा. और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, दिस इज वर्टिकल, एफ क्या आ जाएगा बेटे, साइन थीटा. बेटे अगर एंगल यहाँ होगा ना विद वर्टिकल, तो एंगल जिसके साथ गिवन होगा वहाँ पर कॉस आ जाएगा, उसके अपोजिट क्या आ जाएगा, साइन. ऐसे भी चेंज करके दे देते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं कि जो फोर्स है उसका एंगल 30 डिग्री है विद द वर्टिकल एक्सिस. तो बेटे फिर आप इस वाले एंगल को 30 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 30 = 60 हो जाएगा. ओके, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं जो भी हमारी सिचुएशन है. अब इसने क्या कहा बेटे, पहली बात तो हमने फोर्स, ठीक है, अननोन है फोर्स, आपको टोटल जो है वो फाइंड करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है. देन देखो बेटे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट, उसका भी मैग्नीट्यूड. सो वर्टिकल कॉम्पोनेंट भी फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है बेटे, कितना है 50 न्यूटन. सो बेटे इसी को यूज़ करेंगे. देखिए बेटे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या है आपके पास में, सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ठीक है. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट गिवन है कितना है 50, तो एफ एक्स की प्लेस पे क्या लिखोगे बेटे 50. फोर्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है बेटे, और कॉस की वैल्यू प्लेस करिए बेटे, कितना एंगल है 30, सो दिस इज कॉस 30. कॉस 30 आप सब जानते हैं बेटे क्या रहती है इसकी वैल्यू, √3/2. सो दैट इज 50 इज इक्वल्स टू फोर्स अंडर √3/2, ठीक है. 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, रूट अपॉन में जाएगा, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना. सो फोर्स क्या आ जाएगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए देखे, ठीक है, 50 × 2, ये क्रॉस में जाएगा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको 50 × 2, ठीक है, अपॉन में √3, ठीक है. एंड रेस्ट आई एम लिविंग फॉर यू, तो यहाँ से पहली बात बेटे फोर्स की कैलकुलेट करना वैल्यू और न्यूटन में आंसर लिखना, एक काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया. यहाँ से आप रिजल्टेंट जो फोर्स है, टोटल जो फोर्स है, ये जो फोर्स है बेटे, ठीक है, जो एक्ट कर रहा है, ये टोटल फोर्स ये आपके पास में आ जाएगा, क्या आएगा, ठीक है. उसके बाद में देखिए बेटे, ये काम हमारा फिनिश हो गया. अब वर्टिकल कॉम्पोनेंट फाइंड करना है. अब देखना बेटे वर्टिकल कॉम्पोनेंट एफ वाई, ठीक है, किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा, ठीक है. सो दिस इज एफ साइन थीटा. थीटा आप सब जानते हैं बेटे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 30 है, ठीक है. तो क्या आ जाएगा बेटे, वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना आएगा, एफ साइन 30. साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि बेटे वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आएगा आपके पास, एफ इंटू 1/2, ठीक है, दैट मीन्स एफ बाई टू. सो वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा बेटे, एफ बाई टू. और बेटे मैं यहाँ पर इसको लीव कर रही हूँ डैश न्यूटन. बेटे जब यहाँ से आपके पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करके हाफ क्या आ जाएगा इसका, वर्टिकल कॉम्पोनेंट. तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ, ठीक है, एंड होपफुली इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका फोर्स आएगा, देन उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एफ बाई टू, ठीक है. और यहाँ उसी आंसर को 2 से डिवाइड करके न्यूटन में आंसर, ठीक है. वीडियो को पॉज करके बेटे कॉपी करेंगे बेटे क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन लिखेंगे देन उसका सोल्यूशन, ठीक है. और फिर उसके बाद में, अभी नहीं, बाद में स्पेस लीव कर देना, कैलकुलेशंस करेंगे दोनों, ठीक है. फोर्स का भी मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट का भी, दोनों का फोर्स है बेटे ये, ठीक है. तो किस यूनिट में आंसर आएगा, न्यूटन. पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटे, और इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. ऐसा नहीं है बेटे लेंदी कैलकुलेशन है, शॉर्ट कैलकुलेशन है, बस आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेगा कि वो कितना क्लियर है. देखना बेटे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो आपको पता होना चाहिए बेटे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के लिए इनिशियल स्पीड क्या लेंगे बेटे, जीरो, राइट। सो इनिशियल स्पीड जीरो इज गिवन बाय, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। सो वी इज इक्वल्स टू के टी, हमारा रिलेशन है, एंड इन दैट के जो हमें है वो गिवन है, मैंशनड है, कितना बेटे 2 m/s², तो ये हमारा हेडेक नहीं है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन 3 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 3 सेकेंड्स के अंदर, यानी कि टाइम भी मैंशनड है, ठीक है, यानी कि टाइम भी आपको मैंशनड है, कितना है बेटे 3 सेकेंड। सो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, पहले इसका काम करते हैं बेटे, ठीक है। इस रिलेशन को आगे एक्सपेंड करते हैं, पहले बोर्ड पे देखते रहेंगे मैं क्या बता रही हूँ आपको। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि बेटे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे या थर्ड इक्वेशन, अगर आप सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे मोशन डिस्टेंस निकालने के लिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तभी भी आपको एक्सेलरेशन चाहिए बेटे। एंड रिकॉल करो बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए बेटे, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, सेकेंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस आता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आप थर्ड इक्वेशन मोशन की लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वहाँ भी बेटे आपके पास में आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तभी तो डिस्टेंस लगेगा, निकालेंगे आप, ठीक है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे वहाँ डिस्टेंस ही नहीं आता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो अगर आपको सेकेंड लगानी है इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सजेस्ट कर रही हूँ, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब यहाँ देखिए बेटे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, राइट, डी वी अपॉन डी टी, कौन सा एक्सेलरेशन है बेटे, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे बेटे वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देखिए बेटे क्या गिवन है, के टी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, डी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी बेटे के टी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे। रूल्स जरा रिकॉल करो, के कॉन्स्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर, बाहर लेंगे, देखो के की वैल्यू 2 है, बाहर लिया हमने, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या आएगा, के बाहर डी टी अपॉन डी टी। अगर डिफरेंशिएशन के रूल्स भी यहाँ पर अप्लाई करें जो मैंने आपको बताए हैं बेटे, तो टी की पावर देखिए क्या है, 1, तो 1 आगे आएगी पावर और टी की पावर एक कम हो जाएगी, n-1, तो यहाँ देखिए बेटे पावर इसकी क्या है, 1 फ्रंट पे लेंगे और एक पावर कम हो जाएगी, तो 1-1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखना बेटे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा, और बाकी कितना बचेगा आपके पास, 1 आ जाएगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज के, एंड के इज गिवन टू यू एस 2, ठीक है, 2 m/s², ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास में। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू के, नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटे, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 m/s², ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब आप सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करिए, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करो बेटे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड देखिए बेटे क्या है, 0, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन तो आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, एस आपको निकालना है, तो ये फंक्शन 0, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो क्या है बेटे आपके पास, 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये मैं सर्कल कर रही हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा बस आपके पास में, क्या रिजल्ट आएगा बेटे, डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर, ए देखिए बेटे क्या है, 2, सो ए की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, और टाइम देखिए बेटे कितना है, 3, सो टी का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, 3 स्क्वायर, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9 m, ठीक है। सो डिस्टेंस कितना उसने ट्रांसवर्स किया, दैट इज 9 m का डिस्टेंस वो ट्रांसवर्स कर रहा है, यानी कि ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन द स्पेसिफाइड टाइम, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, देखो बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा ट्रिक कर दिया उसको, एक फंक्शन की फॉर्म में दे दिया, अदरवाइज एक सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके बेटे इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, देन पूरा सोल्यूशन एक बार जो मैंने समझाया है उसको देखेंगे, एंड देन ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप सिर्फ कॉपी करने का कोशिश करेंगे तो न्यूमेरिकल बेटे ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट आ सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स में एक लिमिट है कि बस इतने न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स काउंटलेस हैं हमारे पास, और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम के लिए कि जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी ट्रेंड पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको प्रैक्टिस करने हैं जितने ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दिस वॉज न्यूमेरिकल पोर्शन पार्ट 2, ठीक है, अर्लियर वी हैड डन पार्ट 1, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, सो उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे बेटे अपनी नोटबुक के अंदर, एंड मेंटेन द स्टॉक ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, सारी क्वेश्चंस का स्टॉक आपको पूरा मेंटेन करके रखना है, डन। वीडियो पॉज करो बेटे एंड कॉपी द क्वेश्चन, एंड देन डू द सॉल्यूशन योरसेल्फ, सॉल्व अपने आप करिए उसको, वीडियो पॉज करिए बेटे, ठीक है, एंड देन सॉल्व इट।
राइट।